जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको चंद्र ग्रहण से संबंधित जानकारी दूंगा। चंद्र ग्रहण 19 नवंबर का रहने वाला है। चंद्र ग्रहण का प्रभाव कितना रहेगा, चंद्र ग्रहण कितने बजे प्रारंभ होगा, गर्भवती महिलाओं को क्या ध्यान रखना चाहिए, साथ ही कार्तिकी पूर्णमासी है तो किस प्रकार से हमें कार्तिक का उद्यापन करना चाहिए, यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। दोस्तों जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। साल में दो बड़े ग्रहण आते हैं, एक चंद्र ग्रहण और एक सूर्य ग्रहण। अमावस्या के दिन जो पड़ता है उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं और पूर्णमासी को जो पड़ता है उसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। यह दो बड़े ग्रहण होते हैं और कुछ ग्रहण उपछाया भी पड़ते हैं, जैसे चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया में प्रवेश करता है पूर्ण रूप से तो ग्रहण पड़ता है, उपछाया में प्रवेश किए बिना ही अगर वो बाहर निकल जाए तो उसे आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसका विशेष प्रभाव होता है, जो 19 तारीख को ग्रहण पड़ रहा है इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव है, साथ ही काफ़ी समय के बाद में इतना लंबा ग्रहण पड़ रहा है क्योंकि इस दिन साल की सबसे बड़ी पूर्णमासी है कार्तिक पूर्णमासी, और यह ग्रहण इतना लंबा पड़ रहा है। यह ऐसा लंबा ग्रहण 1440 में पड़ा था, काफ़ी सालों के बाद में बहुत ही बड़ा ग्रहण है। जब यह चंद्र ग्रहण चालू होगा तो उस समय चंद्र उदय नहीं रहेंगे। यह ग्रहण जब चालू होगा दोपहर के 12:48 पर चालू होगा। इस ग्रहण का जो स्पर्श काल है वह 11:48 से ही प्रारंभ हो जाएगा, यानी ग्रहण जब प्रारंभ होता है तो उससे पहले स्पर्श काल शुरू होता है वह 11:48 पर स्पर्श काल चालू हो जाएगा। जब यह ग्रहण समाप्त होगा तो उस समय 5:36 हो रहे होंगे शाम के, उस समय चंद्रमा कुछ देर पहले ही उदय हुआ होगा। जब यह ग्रहण पड़ेगा तो उस समय गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। काफ़ी लोगों के मन में यह संशय होता है कि जहाँ पर ग्रहण बहुत थोड़ी देर के लिए यानी बहुत ही कम समय के लिए है वहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है। देखो ऐसा नहीं है, जब ग्रहण चालू हो तब से लेकर के और ग्रहण की समाप्ति तक गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना होगा क्योंकि इसका सीधा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। अक्सर हम 2-3 घंटे का समय सावधानी पूर्वक बिता लेंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन बच्चे का बचाव रहेगा, बच्चे पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला ध्यान रखना है कि गर्भवती महिलाओं को अग्नि नहीं जलानी है, अग्नि का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना, कोई भी काम नहीं करना है, दीपक है या कोई भी चीज़ है, खाना बनाना है या कुछ भी चीज़ है, अग्नि बिल्कुल नहीं जलानी, चाहे उसके हस्बैंड हों या महिला हों। 12:30 बजे से लेकर के और 5:30 बजे तक विशेष रूप से आपको पालन करना है, यानी बहुत लंबा ग्रहण है ये, जो करीबन 580 सालों के बाद में इतना लंबा ग्रहण पड़ रहा है। दूसरा, ग्रहण काल में जब ग्रहण चल रहा हो उस समय गर्भवती महिलाओं को कोई भी चीज़ जैसे फल है सब्जी है आदि नहीं काटने, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसका जो प्रभाव है वह भारत के पूर्वीय प्रदेशों में ज़्यादा रहेगा, अरुणाचल है असम है इन क्षेत्रों में इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा, हालांकि और दिशाओं में और क्षेत्रों में राज्यों में इसका प्रभाव कम रहेगा, लेकिन ध्यान जरूर रखना है ये ग्रहण वृषभ राशि में घटित हो रहा है, कृत का नक्षत्र वृषभ राशि में ग्रहण घटित हो रहा है तो वृषभ राशि वालों को विशेष सावधानी रखनी है, साथ ही वृषभ राशि की जो महिलाएं हैं उनको भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तीसरा है कि ग्रहण काल में सोना नहीं है और नाखून आदि नहीं काटने, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। जब ग्रहण पड़ रहा हो उस समय आप हनुमान चालीसा का, दुर्गा चालीसा का या कृष्ण चालीसा का पाठ करते रहें, कोई मंत्र का जाप करते रहें, ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। सवाल आता है इस दिन कार्तिक पूर्णमासी है तो देखो ग्रहण का जो स्पर्श काल है वह 11:48 पर होगा, तो आप 11:30 बजे से पहले ही पूर्णमासी का कार्य कर ले, जैसे दान पुण्य करना है, हवन करना है, इस दिन हवन का विशेष महत्व होता है, भगवान कृष्ण के सामने आप खीर बना करके अर्पण करें, केसर डाल करके भगवान के सामने संतान गोपाल मंत्र का जाप करें, इसका विशेष महत्व है। देव दिवाली है,
इस दिन विशेष महत्व होता है। शाम के समय 365 बत्ती पीपल वृक्ष के नीचे जलाएं, 108 परिक्रमा करें अपनी मनोकामना बोल करके। वही भगवान श्री कृष्ण की भी 108 परिक्रमा करनी चाहिए आंवला और तुलसी पत्र चढ़ा करके। इस दिन तुलसी माता के सामने दीपक जलाना चाहिए शाम के समय, और तुलसी के पौधे में से थोड़ा सा मिट्टी लेकर के अपने मस्तक पर टीके के रूप में लगानी चाहिए। इसका विशेष फल प्राप्त होता है। इस दिन गौ माता की पूजा करने से हमारे सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ग्रहण समाप्ति पर 5:30 बजे के बाद में आप स्नान आदि करें, फिर गौ माता को कुछ न कुछ जरूर खिला करके आएं। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और इस दिन आप सुबह के समय पितरों के नाम से तर्पण करें, ब्राह्मणों को दान करें, वस्त्र दान करें, आप जूता दान करें। इसका विशेष महत्व है। इस दिन कई राशियां बहुत ही भाग्यशाली हैं, जैसे मेष राशि है, इसका योग बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही मिथुन राशि, कर्क राशि और सिंह राशि, ये राशियां भी इस दिन बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली है। भाग्यशाली का मतलब यह है कि इनका योग अच्छा है, इन पर ग्रहण का प्रभाव कम रहेगा और इसी समय से आने वाले समय में आपको विशेष लाभ भी मिलेंगे। साथ ही अगली जो राशि है वह है सिंह और कन्या राशि, जो बहुत ही अच्छी रहने वाली हैं। साथ ही वृश्चिक, धनु और मकर, कुंभ, ये राशियां भी बेहद ही शुभ रहेंगी। मीन राशि का योग भी बहुत ही अच्छा है। वृषभ राशि, तुला राशि और मकर राशि, इन राशि वालों को विशेष रूप से ध्यान भी रखना होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ग्रहण काल में बिल्कुल भी आपको बाहर नहीं निकलना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। गर्भवती महिलाओं को गेरू पूजा वाली दुकान से मिल जाता है, गेरू ला करके अपने पेट पर लगा लेना चाहिए। ग्रहण जब पड़ रहा हो तब से लेकर के ग्रहण समाप्ति तक आप घर से बाहर ना निकलें, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। ग्रहण की समाप्ति पर जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब आपको क्या करना है कि थोड़े से चावल गर्भवती महिला के ऊपर से उसार करके पीपल वृक्ष के नीचे रख दें। साथ ही इस दिन नारियल लेकर के घर के मेन दरवाजे से उसार करके पीपल वृक्ष के नीचे रख दें। उसके बाद में दान पुण्य करें, आप चावल का दान करें, मूली का दान करें, चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का दान करें, इसका विशेष महत्व है। तो आप इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। काफ़ी सालों के बाद में बड़ा लंबा ग्रहण है तो थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है कि कई घंटे का काम है, भगवान की पूजा पाठ करते रहें बिना दीपक जलाए, और जो गर्भवती नहीं महिला नहीं है वो दीपक जला करके मंत्र जाप कर सकते हैं। आज के दिन आप जो भी मंत्र जाप करें उसका विशेष फल आपको मिलने वाला है। ग्रहण की स्थिति बहुत ही अच्छी है, ग्रहण का योग बहुत ही अच्छा है। हालांकि सुबह तक आदि का इतना विचार नहीं रहेगा भारत के अंदर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्तिक पूर्णमासी का व्रत 18 का रहेगा। इस दिन 19 तारीख को सुबह के समय आप कथा कर सकते हैं, व्रत नहीं रख सकते क्योंकि 2:48 पर यह पूर्णमासी समाप्त होकर के प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। जय श्री कृष्ण।